सीधा रुख करेंगे पंजाब के गुरदासपुर का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या है? सुनिए सर, पंजाब को आज सबसे बड़ी जरूरत है, पंजाब को एक कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे नशा बेचने के आरोप हैं, एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे रेता बेचने के आरोप हैं, और एक तरफ ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदार है। एक पैसे पे एक पैसा, एक नई चवन्नी इन्होंने किसी से नहीं लिया आज तक। दोस्तों, हमने मैंने और मान साहब ने दोनों ने बैठ के कई कई घंटों बात की है, हम लोगों ने कई कई घंटे, कि पंजाब को कैसे बदलना है, पंजाब की खेती कैसे बदलनी है। कई किसानों से बैठ के हमने बात की खेती कैसे बदलनी है, पंजाब की इंडस्ट्री कैसे वापस लेके आनी है। सारी इंडस्ट्री इन्होंने बाहर भेज दी। पंजाब के बच्चों को रोजगार कैसे देना, एक लड़की ने खड़े होकर पूछा था। पंजाब के बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं और जो बच गए वो सारे नशा कर रहे हैं। पंजाब से नशा कैसे खत्म करना है, बेअदबी कैसे रोकनी है, बेअदबी करने वालों को सजा कैसे देखनी है। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, पंजाब में शिक्षा कैसे ठीक करनी है, जैसे दिल्ली में ठीक किया ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब में अस्पताल कैसे ठीक करने हैं, जैसे दिल्ली में अस्पताल ठीक किया ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब की सड़कें कैसे ठीक करनी है, बिजली के बिल कितने, बिजली के बिल आते हैं आपके, कितनी महंगी है बिजली। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है, पंजाब में भी अब फ्री में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। ये पूरा प्लान हम लोगों ने कई कई घंटे बैठ के बनाया है, लेकिन ये सारा प्लान तभी सफल होगा जब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आएगी, कट्टर ईमानदार सरकार आएगी। इन लोगों ने 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 19 साल बादल परिवार की सरकार रही। इन दोनों ने, कांग्रेस ने और अकाली दल ने मिलके पंजाब को लूट लिया। इनकी सरकार आती है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, उनकी सरकार आती है ये इनके खिलाफ को, दोनों लूटते हैं। आज पंजाब को एक ही जरूरत है कि कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। चन्नी साहब पे आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब रेता चोरी करते हैं, उनके घर पे ईडी की रेड हुई, उनके रिश्तेदारों के घर पे बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली, देखिए आप लोगों ने, बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली उनके घर पे। 111 दिन मिले थे उनको, 111 दिन में भी उन्होंने कमाल कर दिया, 111 दिन भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या पंजाब के स्कूल अच्छे हो सकते हैं? अगर रेता चोरों की सरकार बनेगी तो क्या बिजली मिल सकती है? अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या आपका पंजाब को भविष्य मिल सकता है, आपके बच्चों को भविष्य मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज आपको कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल प्रेम कुमार जैसे एमएलए चाहिए और सरदार भगवंत मान जैसे सीएम चाहिए। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा फैन हूं, फैन नहीं हूं, भक्त हूं उनका, मैं पूजा करता हूं उनकी। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था महात्मा गांधी के लिए कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा इंसान पृथ्वी पे पैदा हुआ था। यह बात मैं बाबा साहब अंबेडकर के लिए बोलना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा इंसान इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ था। अभी एक शख्स आए थे यहां पे, मैंने 3 दिन पहले दिल्ली में 26 जनवरी पे ऐलान किया है कि बाबा साहब अंबेडकर अब दिल्ली के किसी भी दफ्तर में, दिल्ली सरकार के किसी भी दफ्तर में, किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस में
दिल्ली के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह की फोटो लगेगी, शहीद आजम भगत सिंह की। वो शख्स चाह रहे थे कि पंजाब में अगर हमारी सरकार बनती है तो पंजाब में भी ऐसे होना चाहिए, पंजाब में भी ऐसे होगा। और एक दो दिन के बाद मैं और सरदार भगवंत मान इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे इसको। बाबा साहब अंबेडकर ने एक छोटे से परिवार से आते हैं, बाबा साहब अंबेडकर बहुत गरीब परिवार से, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने दो दो पीएचडी की डिग्री ली विदेशों से, उन्होंने अमेरिका से और इंग्लैंड से, दो विदेशों से पीएचडी की डिग्री ली। अपनी जिंदगी में उन्होंने सबसे बड़ी तवज्जो पढ़ाई को दी, उन्होंने कहा कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। उनका सपना था कि ऐसा देश होना चाहिए आजादी के बाद जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आज 70 साल के बाद बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, और दिल्ली में हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस बार वोट डालने जाओ तो बाबा साहब की तस्वीर अपने सामने रख लेना, और यह सोचना कि आज अगर बाबा साहब जिंदा होते तो वो किसको वोट देते। एक तरफ रेता चोर है, एक तरफ नशा बेचने वाले हैं, और एक तरफ कट्टर ईमानदार भगवंत मान है। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? नशा बेचने वालों को वोट देते, रेता चोरों को वोट देते, कि ईमानदार भगवंत मान को वोट देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसको वोट देते बाबा साहब अंबेडकर? वही करना जो बाबा साहब अंबेडकर करते। सोचना, जिस दिन वोट डालने के लिए जाओ उनकी तस्वीर अपनी आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके उनकी तस्वीर अपने सामने लेके आना और सोचना कि बाबा साहब अंबेडकर अगर जिंदा होते तो क्या करते। दोस्तों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। आज तक अपने पास विकल्प नहीं था, वोट डालने जाते थे, एक बार कांग्रेस को दे आते थे, 5 साल कांग्रेस वाले लूटते थे, अगली बार गुस्से में आके अकाली दल को वोट दे देते थे, फिर 5 साल अकाली दल वाले लूटते थे, फिर अगली बार गुस्से में आके कांग्रेस को। हमारे पंजाब का तो भविष्य आज तक कभी नहीं बना। तो गुरदासपुर से आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट मांग रहे थे और साथ ही दिल्ली की उपलब्धियां भी गिना रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।